वेलकम बैक यारो, Realme Buds Wireless 3 एंड CMF Neckband Pro के कंपैरिजन की बहुत ही तगड़ी डिमांड थी। मैंने भी जल्दी जल्दी यार वीडियो बना दिए ताकि आप गलत परचेजिंग डिसीजन ना करो। लुक वाइज तो यार दोनों ही अपने जगह हैं एंड दोनों ही हल्के हैं पहनने में, लेकिन जो CMF है ना वो कुछ ज्यादा ही हल्का है। जो वायर क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा फ्लेक्सिबल लग रही है Realme की, एंड CMF की उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। शायद दोनों ही अलग मटेरियल के बनाए गए हैं, लेकिन दोनों ही ड्यूरेबल लग रहे हैं, लेकिन क्वालिटी मुझे Realme के वायर की ज़्यादा बेटर लगी एंड नीचे के वायर की क्वालिटी दोनों की ही एक जैसी है। बाकी साथ में यहाँ पे जो कंट्रोल वाला जगह होता है ये CMF में आपको मैट फिनिश वाला मिलेगा एंड Realme में आपको ग्लॉसी इफेक्ट मिलेगा विद बटन्स, लेकिन CMF ने डिज़ाइन चेंज की एंड यहाँ पे डायलर इंक्लूड कर लिया है, जिसे यार आवाज़ आती है बड़ी अच्छी रोटेट करने पे, एंड इससे आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो एंड अगर आप बटन को टैप करोगे तो यार कॉल रिजेक्ट एक्सेप्ट एंड सॉन्ग फॉरवर्ड बैकवर्ड सब कुछ कर सकते हो। ये तो मैंने कल बता ही दिया था। मैं सच बताऊँ तो सिंप्लिसिटी की वजह से ही मुझे CMF की ये डिज़ाइन पसंद आई, क्योंकि बटन यार कई बार मेमोराइज करने में दिक्कत आ जाती है यार, ऊपर प्लस था या नीचे प्लस था, NC बटन कहाँ था। बाकी दोनों में ही आपको USB टाइप सी की चार्जिंग मिल जाएगी एंड डेडिकेटेड ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का बटन भी मिल जाता है आपको दोनों में ही। जी हाँ, आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लो, फोन से भी कनेक्ट कर लो एंड जब आप मूवी देख रहे हो लैपटॉप पे एंड अगर आपको फोन आ गया तो भाई कॉल रिसीव कर लो, ये बेनिफिट रहता है ड्यूअल डिवाइस पेयरिंग का। बाकी यार मैग्नेट्स की बात कर लेते हैं। दोनों के ही जो मैग्नेट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, Realme का भी स्ट्रांग है, नथिंग का भी स्ट्रॉन्ग है। दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको गूगल फास्ट पेयरिंग मिल जाएगी एंड IP55 की रेटिंग दोनों में ही मिल जाएगी। मतलब यार एक्सरसाइज करना है पहन के, स्वेट वगैरह आ रहा है एंड डर्ट वगैरह लग रही है, उससे प्रोटेक्शन आपको दोनों ही देते हैं। ओह, मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो Realme कई बार 1600 1700 के आसपास मिलता है एंड CMF अभी लॉन्च हुआ है 2000 में मिलेगा, लेकिन ऑफर लग के यार ये भी कम में आपको मिल सकता है, तो प्राइस हमेशा आपको देखते रहना पड़ेगा ऑनलाइन। दोनों में ही आपको ऐप सपोर्ट मिलेगा, Realme में Realme Link ऐप एंड Nothing में Nothing X ऐप का सपोर्ट मिलेगा। ऐप पे मैं बाद में आऊंगी। शुरू करते हैं साउंड क्वालिटी से, जिसका आप बेसब्री से वेट कर रहे होंगे। सीधी सी बात है, Realme में ऐसा नहीं है कि बेस की वजह से ट्रेबल दब जाते हैं, जबकि CMF में बेस की वजह से ट्रेबल्स दब जाते हैं। अब मैं सिंपल से एग्जांपल दूं तो वो सॉन्ग है हीरिए हीरिए आ, तो उसमें बेस की वजह से जो इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड है वो थोड़ी सी दब जाती है CMF में, लेकिन Realme में चकाचक आती है, चाहे भले ही वो कितना लो साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो, गिटार हो या फिर फ्लूट हो, सब समझ में आता है। एंड वोकल्स की क्वालिटी दोनों में ही अच्छी है, काफी नेचुरल साउंड है दोनों में ही 13.6 mm के ड्राइवर लगे हुए हैं, लेकिन दोनों की ही जो बेस की क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा नोटिसिबल डिफरेंस है। अगर आप Realme को ऐप में यूज़ करो तो आपको क्लियर बेस का ऑप्शन मिलेगा, मोर बेस का भी मिलेगा, लेकिन क्लियर बेस सबसे ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है Realme में। एंड उसको अगर आप डायनेमिक ड्राइवर के साथ यूज़ करो, उसको आप इंक्रीज़ करो लेवल को, तो जो थम्पिनेस एंड पंची इफेक्ट बेस का निकल के आता है, जो क्वालिटी है बेस की, वो बीट कर देती है CMF के बेस को। CMF के ऐप में भी आपको मोर बेस का ऑप्शन मिलेगा एंड अल्ट्रा बेस का भी ऑप्शन मिलेगा, बट क्लियरली Realme ने यहाँ पे बेस के मामले में बीट कर दिया है CMF को। एंड yes, दोनों में ही इक्वलाइजर को ट्यून करने का ऑप्शन है, अगर आपको अपनी साउंड सिग्नेचर बनानी है दोनों में ही बिंदास कर सकते हो। इसके अलावा Realme में एक एडवांटेज है, अगर आपका फोन या फिर टैबलेट हो गया वो Dolby Atmos को सपोर्ट करता है, तो Realme Link ऐप में आपको Dolby Atmos का ऑप्शन भी दिखाएगा, वो क्वालिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन CMF Dolby Atmos को सपोर्ट नहीं करता है। बाकी दोनों में ही स्पेशियल ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, दोनों ही एक नंबर के घटिया क्वालिटी है भाई। साउंड 360 वाली तो भाई नहीं आएगी, लेकिन आपके कान जरूर खराब हो जाएंगे। बाकी मैं वॉल्यूम के बता दूं यार, तो 80% वॉल्यूम पे ना Realme थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम देता है कंपेयर टू CMF। Realme में आपको 30 dB की ANC मिलेगी एंड CMF में आपको 50 dB की ANC मिलेगी, एंड थियोरेटिकली देखा जाए तो 50 dB इज बेटर देन 30 dB। इसलिए मैंने आउटडोर में जाके दोनों के ही ANC को चेक किया है कि 50% वॉल्यूम पे किसकी ANC ज्यादा बेटर काम कर रही है। तो यार मैंने आउटडोर में चेक किया अभी Nothing का जो
ANC है एंड बहुत ही सही है यार नथिंग का ANC, क्योंकि 50% पे भी आपको बहुत ज़्यादा नॉइस कैंसिलेशन मिल जाएगी एंड रियलमी में आपको तब भी ट्रैफिक की नॉइस समझ में आएगी 50% वॉल्यूम पे, लेकिन नथिंग यार नथिंग ने बीट कर दिया है ANC के मामले में रियलमी को। वेल अब टाइम आ गया है कि मैं आउटडोर में जाऊं और अपने एक्सपर्ट फ्रेंड से पूछूं कि भाई कॉल क्वालिटी किसकी अच्छी है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन कौन ज्यादा कर रहा है। हेलो विशाखा। हाँ यार, मैं नेक बैंड की टेस्टिंग कर रही हूँ और ये मैंने रियलमी का नेक बैंड लगाया है और पीछे है बहुत सारा ही ट्रैफिक, तो बताओ यार नॉइस कैंसिलेशन कैसी है इस बैंड की एंड मेरी वॉइस की क्लैरिटी कैसी है। देखो ट्रैफिक का वॉल्यूम तो आ रहा है। हाँ ट्रैफिक तो आ रही है आवाज, और मेरी वॉइस कैसी आ रही है। वॉइस तो तुम्हारी क्लियर है अगर तुम बहुत तेज चिल्ला के ना बोल रही हो तो। अच्छा ठीक है मैं ईयरफोन लगा के देखूंगी। ठीक है हाँ, मैंने नथिंग का नेक बैंड लगाया है तो इसकी नॉइस कैंसिलेशन कैसी है, कैसी आ रही है। इसका काफी क्लैरिटी है, इसमें ट्रैफिक की आवाज नहीं आ रही है, मतलब ना बराबर है। मुझे पहनने पे भी फील हो रहा है कि काफी ज्यादा सही। ओके चलो ठीक है ओके ओके। बैटरी लाइफ यार दोनों की ही अच्छी है, रियलमी ने थोड़े बेटर क्लेम किए हैं कि 40 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलेगा, CMF में 37 आवर्स का एंड 10 मिनट्स चार्जिंग आप कर दोगे तो उसमें रियलमी आपको 25 आवर्स की प्लेबैक टाइम देगा एंड CMF आपको 18 आवर्स की देगा। वेल अपनी जगह दोनों ही सही है, आराम से आप लंबा टाइम यूज कर सकते हो एंड ब्लूटूथ 5.3 की कनेक्टिविटी आपको दोनों में ही मिल जाती है एंड दोनों पे ही मैंने सेम टेस्ट किया है। फोन को एक कोने में रख दिया फ्लैट के एंड मैं दूसरे कोने पे चली आई सॉन्ग सुनने के लिए एंड दोनों में ही कोई भी किसी भी तरह का डिस्कनेक्ट फील नहीं हुआ मुझे कि सॉन्ग लैग करने लगा। अब आते हैं गेमिंग पे, रियलमी में आपको गेम मोड मिल जाएगा एंड CMF में भी आपको लो लैग मोड मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। जो 45 ms की लेटेंसी है रियलमी की वो आपको ज्यादा बेटर गेमिंग प्रोवाइड करती है, लेटेंसी उतनी ज्यादा पता नहीं चलती है, लेकिन नथिंग में काफी ज्यादा जो वीडियो और ऑडियो के बीच का डिफरेंस है वो लैग आपको काफी ज्यादा पता चलता है। गेमिंग के लिए नेक बैंड उतना प्रेफरेबल नहीं है। दोनों का ही जो ऐप है उसका UI काफी सिंपल है एंड काफी अच्छा लगा मुझे दोनों का ही ऐप। नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड दोनों में ही मिल जाएगा, देन कंट्रोल्स भी क्या क्या आप यूज कर सकते हो उसका भी मिल जाएगा, साउंड इफेक्ट्स मिल जाएंगे, प्रीसेट्स, इक्वलाइजर मिल जाएगा। बाकी रियलमी में आपको फाइंड माई फोन का फीचर मिल जाता है, CMF में आपको फाइंड माई ईयरबड्स का फीचर मिल जाता है। रियलमी में आपको वॉल्यूम एनहेंसर का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा बट उसे ऑफ रखना क्योंकि उससे वॉइस जो है काफी क्रैक करने लगती है एंड डायनेमिक बेस का ऑप्शन काफी बढ़िया है, इसमें यूज जरूर करना क्योंकि उससे सही में बेस पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आप फुल पे कर दोगे कि तो बेस की जो थम्पिनेस है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ओवरऑल मैं सम अप करूँ ना तो दोनों ही कान में पहनने में कंफर्टेबल है, पर मुझे कई बार ऐसा लगा कि ये जो CMF वाला ईयरबड्स है मेरे कान से स्लिप आउट हो जा रहा है, जबकि रियलमी में ऐसा मुझे नहीं लगता है। ऑलमोस्ट डिजाइन दोनों की सेम है, ईयरबड्स की साइज सेम है, बट पता नहीं क्यों फिर भी ऐसा हुआ मेरे साथ। बाकी कंफर्टेबल दोनों ही है पहनने में गेमिंग के लिए एंड साउंड क्वालिटी में रियलमी बेटर है एंड अगर आपकी प्रायोरिटी कॉलिंग ज्यादा है तो उसके लिए CMF ज्यादा बेटर है। आई होप इस वीडियो के बेस पे आप अपना परचेजिंग डिसीजन ले पाओ कि आपको क्या लेना चाहिए, ऐसे प्राइस का भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके परचेजिंग डिसीजन में। सो मेक अ वाइज डिसीजन और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे मैं हूं सृष्टि, आप देख रहे हो टेकिला टी जहां आपको मिलते हैं अनबायस्ड रिव्यूज एंड इंटरेस्टिंग टेक एक्सप्लेनर्स। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।